हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्रिस प्रैट की मूवी जिसे आप जानते होंगे एमसीयू की मूवीज के अंदर स्टार लॉर्ड के नाम से। उनकी पहली एमसीयू मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जिसकी वजह से आप उन्हें जानते होंगे, तो वीडियो में उनकी मूवीज की कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली मूवी की जो आई थी 2016 में, इसका नाम है द मैग्निफिसेंट सेवन। ये एक्शन एडवेंचर मूवीज है। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जिसके पति को बेरहमी से मार दिया जाता है और बाद में वह लड़की एक आर्मी बनाती है, यानी 7 गनमैन को हायर करती है ताकि वो उनकी तरफ से लड़ सके और वो अपने टाउन को भी बचाना चाहती है उन गुंडों से। क्या वो सफल हो पाती है या नहीं, आप इस मूवी में देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी है वांटेड, जो है थी 2008 में। ये एक्शन मूवी है। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस वर्कर जो कि अपने बॉस से परेशान है और उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन इसे पता चलता है कि ये प्रोफेशन असिस्टेंट का बेटा है। एक दिन इसे पता चलता है कि इसके पास एक सुपर पावर है। ये अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट को मारने में। और ये अपने सुपर पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं और सुपर पावर क्या है, ये इस मूवी में देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी है जुरासिक वर्ल्ड, जो आई थी 2015 में। एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है कि बड़े थीम पार्क की जहाँ सभी डायनासोर अवेलेबल है जो काफी साल पहले मर गए थे, लेकिन साइंटिस्ट ने नई टेक्नोलॉजी से जेनेटिक मेडिवेशन करके डायनासोर को बना लिया के अंदर अलग अलग जानवरों के डीएनए मिलाकर बनाया गया। इन्हें देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हर साल आते हैं और इस पार्क का नाम है जुरासिक वर्ल्ड। और यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं टिकट के लिए, लेकिन काफी समय से सेम डायनासोर देखकर लोग बोर हो गए थे। इसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि वो एक ऐसा डायनासोर बनाएगी। इनको ये नहीं पता कि वो काफी खतरनाक है और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है और वो अपने दिमाग का यूज करके पिंजरे से भाग जाता है। इसके बाद इस पार्क का क्या होता है ये आप मूवी में देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। हमारी 4th मूवी है पैसेंजर, जो आई थी 2016 में। ये रोमांस साइंस फिक्शन मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है कि अर्थ की जब इंसान चाहता है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर अपना टाइम एक्सपेंड करे और इसकी यात्रा होती है 90 साल की और साइंटिस्टों ने एक ऐसी स्पेसशिप तैयार की है जिसे जितने भी लोग हैं उन्हें चैम्बर में डाला जाता है और यह चैम्बर 90 साल बाद ही खुलेंगे। लेकिन हो जाती है गड़बड़ और 90 साल की यात्रा के बीच में से एक पैसेंजर अचानक से उठ खड़ा होता है और वो एक मैकेनिक होता है। और ये क्या कोई एक गलती है या फिर स्पेसशिप में कोई खराबी और ये अकेला क्या करता है, आप इस मूवी में देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। यह सबकी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। यह आई थी 2014 में। एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। मूवी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब तो पहले जानते ही होंगे। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो इस मूवी में होता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड के रक्षक जो रोकना चाहते हैं रोनन को, जिसके पास 6 स्टोन में से एक स्टोन है जिसका नाम है पावर स्टोन। और ये स्टोन इतना खतरनाक होता है और इतना शक्तिशाली होता है कि ये स्टोन किसी जगह पर गिर जाए तो उसे तबाह यानी खत्म कर देता है। और रोनन निकल पड़ता है नोवा नाम के ग्रह को तबाह करना। क्या हमारे हीरो इसे रोक पाते हैं या नहीं, इस मूवी में देखिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।